हेलो दोस्तों, स्वागत है आप स्टडी गेटवे प्लस में। हम इस वीडियो में साइंस सब्जेक्ट की बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसमें 50 नंबर का मैथ है और 50 नंबर का साइंस है। अगर आपका 100 नंबर अच्छी तरह से प्रिपेयर है, तैयार है, तो आप इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, अगर आप 100 नंबर की तैयारी अच्छी तरह से कर लेते हैं। क्योंकि साइंस जो है वो एक अच्छे लेवल की पूछी जाएगी, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी है, और मैथ भी एक अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। चलिए हम इस वीडियो में साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज हम डिस्कस करते चलेंगे। हमारा पहला टॉपिक क्या है इस सब्जेक्ट का? दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, विज्ञान कैसे हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन बदल रहा है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम भोजन के क्षेत्र में बात करें तो पहले के ज़माने में मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन इत्यादि हुआ करते थे, लेकिन आज धुआं रहित चूल्हा है, गैस का चूल्हा है, विद्युत ओवन है, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैक्टर। जुताई के लिए पहले बैलों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। फसलों की जो कटाई है वो भी मशीन के द्वारा हो रहा है। यातायात के क्षेत्र में आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से कम समय में पहुंच सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में बात करें तो देख रहे हैं कि आज मोबाइल आ गया है, और मोबाइल ने तो हमारे जीवन को अच्छी तरह से बदल कर रख दिया है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है मोबाइल हमारे जीवन को, ये हम कह सकते हैं। अगर हम इसको अच्छे काम में लगाएं तो ये हमें फायदा देगा, और नहीं तो बहुत ये नुकसानदायक भी है। मनोरंजन के क्षेत्र में यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये देख रहे हैं हॉटस्टार, G5, प्राइम वीडियो देख रहे हैं आप, बहुत सारे ऐप आ गए हैं जियो, जिस पर बहुत सी मूवियां हैं, सीरीज हैं, वेब सीरीज हैं, धारावाहिकें हैं, ठीक है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करें तो देख रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में आज आराम से आप MRI करा रहे हो, अल्ट्रासाउंड करा ही रहे हो, ठीक है, और फिर एक्सरे करा रहे हो। तो किसकी देन है ये साइंस की देन है। आज ब्लड टेस्ट करा के ये आप जान जा रहे हो कि ब्लड में किस तत्व की कमी है, कौन सा मिनरल कम है, आयरन कम है या प्लेटलेट कम हुआ है। तो कितना परिवर्तन लाया है विज्ञान हमारे जीवन में, ये तो समझ सकते हैं हम, और दिन प्रतिदिन ये परिवर्तन आ रहे हैं डेली के डेली। विज्ञान देखिए दोस्तों, हमारे लिए अगर लाभदायक है तो नुकसानदायक भी है, क्योंकि जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, इन्वायरमेंट को प्रदूषित किया जा रहा है, और प्रकृति को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो इसका बदला जरूर लेगी, क्योंकि प्रकृति छोड़ती नहीं है, नेचर ये छोड़ती नहीं है। इसलिए हम विज्ञान का अगर सही तरह से उपयोग करें तो बढ़िया है, और नहीं तो इसका असर आप इस समय आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की हम कृषि विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। विटीकल्चर, विटीकल्चर का मतलब क्या है? अंगूरों का उत्पादन। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर का मतलब मछली पालने की क्रिया। मोरिकल्चर, रेशम कीट हेतु सहतूत की कृषि। और हॉर्टिकल्चर का मतलब हुआ बागवानी फसलें, यानी फल सब्जी इत्यादि उगाना, ये किस में आएगा? आपका हॉर्टिकल्चर में आएगा। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब क्या है? मधुमक्खी पालन। ओलेरिकल्चर क्या है? ओलेरिकल्चर साग सब्जियों का उत्पादन। ध्यान से आप देखिए इस वीडियो को। वर्मीकल्चर केंचुओं का उत्पादन। किसका उत्पादन? केंचुओं का उत्पादन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का मतलब क्या है? फल का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर फूल का उत्पादन। सिल्विकल्चर वन संवर्धन। और ओलिविकल्चर का मतलब हुआ व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती। किसी खेती? जैतून की खेती, और वही व्यापारिक स्तर पर। अभी हम क्या पढ़े हैं दोस्तों? विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां। अब हम कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति, हरित क्रांति किस लिए? खाद्यान्न उत्पादन के लिए फेमस हुआ। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। और नीली क्रांति हुआ मत्स्य उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन के लिए। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। और स्वर्ण क्रांति हुआ फल बागवानी में वृद्धि के लिए।
रजत क्रांति की हम बात करें अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि के लिए, इंद्रधनुष की क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि के लिए, काली क्रांति कच्चे तेल के उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनका अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन। दोस्तों ये सिलेबस में है और फर्स्ट टॉपिक के अंदर सारे खोज आ जाएंगे, जितने भी खोज हैं चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी से जुड़ा हो, चाहे वो फिजिक्स से जुड़ा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, सभी आपके फर्स्ट टॉपिक में साइंस का दिया हुआ है, आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन, इथोलॉजी मतलब जीवों के आचार और व्यवहार का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। कैलोलॉजी का मतलब मानव सौंदर्य का अध्ययन, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, ओडेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, भ्रूण विज्ञान भ्रूणी परिवर्धन का अध्ययन, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। सुजन की अनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति का अध्ययन, रोग विज्ञान रोगों की प्रकृति लक्षण व कारणों का अध्ययन, टॉक्सिलॉजी विष का अध्ययन, लिम्नोलॉजी तालाबों पोखरों झीलों आदि के जीवों का अध्ययन, मत्स्य विज्ञान मछलियों एवं मछली पालन का अध्ययन, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ये भूल सकता है। ओफियोलॉजी का मतलब क्या हो, सांपों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर एवं कैंसर का अध्ययन, ट्यूमर का भी अध्ययन है और कैंसर का भी अध्ययन है। सर्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन, और हिप्नोलॉजी क्या हुआ, नींद का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी स्वप्न का अध्ययन, पैडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन, एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एल्गोलॉजी का मतलब क्या हुआ, शैवालों का अध्ययन। एल्गोलॉजी का मतलब क्या हुआ, शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन, और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब यह है पुष्पों का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी क्या है, शैवालों का अध्ययन, और पैलियोबॉटनी का मतलब है पादप जीवाश्मों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं हम सबको कवर कर लिए हैं। देखिए फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, विभिन्न पादपों को जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। जो जीव विज्ञान है उनकी शाखाओं के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मंडल, और भारतीय ब्रायोफाइटा ये ब्रायोफाइटा है विज्ञान के जनक कौन है, प्रोफेसर एस आर कश्यप। भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर पी माहेश्वरी। भारतीय जीवाश्म वनस्पति प्रोफेसर बीरबल साहनी, ठीक है, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, प्रोफेसर बीरबल साहनी। आधुनिक भारतीय शैवाल प्रोफेसर एम ओ पी आर अयंगर। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, और सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक कौन है, लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक लुवेन हॉक, और वर्गी के जनक कौन है, लिनियस। वर्गीकी के जनक, ठीक है, यहाँ कार्लोस लिनियस है, यहाँ से आप ये जो है यहाँ पर होना चाहिए, तो वर्गी के जनक है कार्लोस लिनियस। दोस्तों कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रेशम पालन को हम क्या कहते हैं, एपिकल्चर सेरिकल्चर पीसीकल्चर या एग्रीकल्चर, आंसर कौन सा होगा, सी सेरिकल्चर। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, कोलोलॉजी ऑन्कोलॉजी ट्रोमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी, तो घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, आंसर कौन सा है, डी।
चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मर्मिकोलॉजी या हर्पेटोलॉजी, नीमेटोलॉजी या नीडोलॉजी। तो चींटियों का जो अध्ययन है वो मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटी स्कैनिंग का उपयोग कहाँ होता है, होता है मतलब अल्ट्रासाउंड में होता है, एक्सरे में होता है, ये एक्सरे है, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा, एक्सरे। नीचे दिए गए चित्र प्रसव तरंगों के कार्य को सीटी स्कैन, मैंने जो प्रसव तरंगे हैं उनका काम कहाँ होता है, या एमआरआई में होता है, या अल्ट्रासोनोग्राफी में होता है, या एक्सरे इमेजिंग में होता है, तो आंसर कौन सा सही है, बी, एमआरआई में प्रसव तरंग का उपयोग होता है। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीक से किससे संबंधित है, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम सबसे ज्यादा किससे क्लोज है, डॉपलर इफेक्ट से, या जीमेन इफेक्ट से, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, या चुंबकीय इफेक्ट से, तो आंसर कौन सा होगा आपका, जीमेन इफेक्ट, आंसर बीस का सही है। तो क्वेश्चन ये है कि रक्त दाब मापी यंत्र का किसने आविष्कार किया है, तो आंसर ए है कार्ल वॉन विरोरक, बी विलियम हार्वे, सी सैमुअल सिगमंड, कार्ल रिटर वॉन बोस, और डी है हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज़, तो आंसर कौन सा है, सी है, आंसर सी है कि रक्त दाब मापी यंत्र का आविष्कार किया है सैमुअल सिगमंड कार्ल रिटर वॉन बोस ने। रडार का आविष्कार किसने किया है, हेनरिच हेयर, लियोसियंग या ग्राहम बेल, तो सही आंसर कौन सा रडार का, ये आप हमें बताएंगे, कमेंट कर दीजिए अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के इन अंगों में से कौन सा अंग ग्रंथि कहलाता है, हृदय है, फेफड़ा है, गुर्दा है या यकृत है, आंसर सही है कौन, डी, यकृत है, यह ग्रंथि कहलाता है। रसायन विज्ञान के पहले पिता कौन है, एंटोनी लवोसियर है, या विलियम ब्राउट है, या जॉन मेम है, या रॉबर्ट बायर है, तो सही आंसर कौन है, एंटोनी लवोसियर, आंसर एच का सही है। मैं कुछ चीजें लिख देता हूं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर, ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं बैरोमीटर, बैरोमीटर की खोज किसने किया था, बैरोमीटर का खोज किसने किया था, तो ये है आपके होंगे ई टोरिसेली, ई टोरिसेली, जो कुछ इंपॉर्टेंट छूटा है मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। दूसरा कौन सा है, देखिए दूसरा है आपका बाइसिकल, मैकमिलन होगा बाइसिकल का, बाइसिकल जो साइकिल आप चलाते हो वही है बाइसिकल, साइकिल मतलब, यह है आपका मैक मिलन। चलिए थर्ड में आपका आ जाएगा डायनामो, डायनामो खोज किसने किया था, फैराडे ने, डायनामो, डायनामो खोज किसने किया था, फैराडे ने। फोर्थ है आपका फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, वाटरमैन। इधर क्या है बेटो, इधर है आपका ये है आविष्कार और ये है आपके खोजकर्ता, ये कौन है आपके खोजकर्ता है जिन्होंने डिस्कवरी की है, ठीक है, ये आप ध्यान से देख लेना। फिफ्थ है आपका ग्रामोफोन, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था इसका ग्रामोफोन, एडिसन लिख लीजिए, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन है पूरा नाम। चलिए सिक्स है आपका टेलीफोन का ग्राहम बेल, टेलीफोन, टेलीफोन कैसे क्या ग्राहम बेल, और ट्रांसफार्मर का सेवेंथ पर लिखे ट्रांसफार्मर का किसने किया है आपका, यह है आपके माइकल फैराडे। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कौन पेंसिलिन का, पेनी, राइटिंग थोड़ी खराब है अब इस पर ध्यान मत देना, पेंसिलिन किसने किया है, फ्लेमिंग ने।
आगे बढ़ते हैं। और लेजर, लेजर की खोज की थी आपके थियोडोर मेनन ने, थियोडोर मेनन। चलिए और कुछ देखते हैं। टेलीविजन, टेलीविजन की खोज किसने की थी दोस्तों? जेल बेयर ने। टेलीविजन खोज किसने की थी? जेल बेयर ने। जे एल लिख लीजिए बेयर्ड, आप देख लेना। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ की खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने, जगदीश चंद्र बसु ने। और रडार खोज आर डब्ल्यू वाट, आर डब्ल्यू वाट लिख लीजिए। पेट्रोल चलित कार, जो कार जो पेट्रोल चलती है, डीजल नहीं, उसकी खोज की थी कार्ल बेंज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु सिद्धांत का जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन। नाभि की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाभि खोज रदरफोर्ड ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने की थी। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकुरल। आप लोग सुनिए ध्यान से, अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग ने किया था, रेडियो सक्रियता हेनरी बेकुरल ने। और अष्टक नियम न्यूलैंड से दिया थे, अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था आपका। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने, आधुनिक आवर्त सारणी ने दिया था आपका मोजले ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने, हेनरी बेकुरल ने, ठीक है। और अष्टक नियम, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में आ गए हम, अष्टक नियम का न्यूलैंड्स ने। लेकिन ये दोस्तों कंप्लीट है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सापेक्षिकता का सिद्धांत, यानी सापेक्षिकता का सिद्धांत आप लोग नोट्स में आ लेना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत करा दिया मैंने। आइंस्टीन ने किया था, इसने आइंस्टीन ने। चलिए, और ऑक्सीजन की खोज सीले और पिस्टले ने की थी, आप सुन लीजिए। ऑक्सीजन खोज किसने किया था? सीले एवं पिस्टले ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज ने भी आइंस्टीन ने की थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। क्लोरीन की खोज सीले ने की थी, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। क्लोरीन की खोज किसने की थी? क्लोरीन, क्लोरीन की खोज की थी आपने सीले ने। चलिए, गति विश्वत का नियम न्यूटन ने, ये आप जानते होंगे मुझे लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने, नियम भी न्यूटन ने दिया था। प्रवण का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। विद्युत आकर्षण का नियम कुलाम ने दिया था। और डायनामाइट की खोज नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। फोटान की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने। फोटान की खोज किसने की थी दोस्तों? वो भी आइंस्टीन ने किया था। चलिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? सोचिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसका कंप्लीट हो जाएगा। जीवाणु, जीवाणु की खोज की थी आपकी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक,
यानी कि ल्यू एन हॉक से आप समझ सकते हैं, ल्यू वेन हॉक। लिवन हॉक इंसुलिन एक आप देख लेना, इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज की थी। बैटिंग व बेस्ट, बैटिंग व बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्समैन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हैजे का टीका, हैजे का टीका किसने खोजा दोस्तों, ये है आपका रॉबर्ट कोच। दोस्तों आप इस समय घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कोरोना ने तबाही मचा रखी है पूरे देश में। पोलियो का टीका जो है आपका जिसने किया है, पोलियो का टीका जोनॉक सॉल्क। चलिए रेबीज का टीका जो कुत्ते काटने से होता है, लुई पाश्चर। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथी हनीमैन याद रखना है, सही, होम्योपैथी का हनीमैन। मलेरिया परजीवी ये लिख लो आप, नोट कर लो, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस। और जेनेटिक कोड की खोज में हरविंद खुराना। ठीक है, चलिए। हृदय का प्रत्यारोपण भारत में किया था डॉक्टर वेणुगोपाल राव ने, किसका, बहुत बड़ी बात है, हृदय का प्रत्यारोपण इसे क्या था, डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक है, किसी छूट गया था, प्रत्यावर्ती धारा निकोल टेस्ला। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और काफ़ी हमने कवर कर दिया, पहला टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो गया आपका। इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे जितना इस वीडियो में मैंने पढ़ाया है, और अपने आप से पढ़ते भी रहिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।